Praise the Lord and good evening, dear friends and brothers and sisters, and greetings. Welcome to the Bible study hour of Life Spring Assembly. आप सभी को आज की शाम जय मसीह की, भाइयों और बहनों, और मैं आप सबका अभिवादन और स्वागत करता हूं आज शाम के समय हमारे बाइबल अध्ययन में. I am sure you remember we are dwelling on chapter 13 of the first Corinthians. और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबको याद होगा हम पहला कुरिन्थियों उसके 13वें अध्याय पर अपने मनन को, अपने अध्ययन को रखे हुए हैं. चैप्टर ऑन लव, जो वचन का भाग है प्रेम के ऊपर. एंड वी हैव बीन considering the various aspect of this love that 1 Corinthians chapter 13 talks about. और हम इस प्रेम के विषय में जो कई सारी अलग अलग बातें हैं या गुण हैं उनके विषय में हम अपने अध्ययन को कर रहे हैं. There are mainly five or four aspects. और हमने बात किया था कि चार या पांच ऐसे मुख्य गुण हैं जो प्रेम के विषय में हैं. We have considered three so far. और उनमें से तीन के ऊपर हमने अध्ययन समाप्त कर चुके हैं. And the fourth one is, the fourth aspect of love is the great supremacy of love. और जो प्रेम का चौथा वो गुण है जिसके विषय में हम देखेंगे वो ये था कि कैसे प्रेम सारी बातों में सबसे उच्चतम है. Because remember how this chapter ends. It ends with the saying, now faith, hope and love endure forever, but the greatest of these is love. और क्योंकि यह ध्यान दीजिए कि इस 13वें अध्याय का अंत किस वचन से होता है, वो इस प्रकार होता है, पर अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थाई हैं, पर इनमें से सबसे बड़ा प्रेम है. And both faith and hope are great qualities. और दोनों ही विश्वास और प्रेम बड़ी अच्छे गुण हैं. They are great gifts to possess. और वो अच्छे ऐसे वरदान हैं जो हम सब के अंदर होने चाहिए. But it says love is far superior to faith and hope. लेकिन यहाँ पर ऐसा भी लिखा है कि जो प्रेम है वो सारी बातों से बढ़कर, सबसे बढ़कर है. Now the question is how? लेकिन सवाल अब ये उठता है कैसे. Remember, Paul is contrasting love with spiritual gifts. याद रखिए पौलुस प्रेम की जो तुलना है उसे आत्मिक वरदानों से कर रहा है. What was his purpose in doing this? और इस बात को करने में उसका उद्देश्य क्या है. The purpose was to deal with people's tendency to center attention upon their gifts and accomplishments. और इसके पीछे उसका कारण ये है कि लोग अपने ऊपर और अपने वरदानों और तोहफों से बढ़कर, अपनी योग्यताओं से बढ़कर प्रेम की ओर देखें. In this effort, Paul draws our attention to the fact that love is far superior to faith and hope for at least five reasons. और अपने इस प्रयत्न में पौलुस इस बात को दिखाते हुए और दर्शाते हुए कि प्रेम जो है वो विश्वास और आशा इन दोनों से बढ़कर है, उसको बताने और दिखाने के लिए वो पांच बातों को दिखाता है. नंबर वन, पहली बात, फेथ फोकसेस अपॉन द रेवलेशन ऑफ गॉड. कि जो विश्वास है वो परमेश्वर के प्रकाशन पर ध्यान को रखता है. वेयर एज लव फोकसेस upon God himself. और जहाँ पर जहाँ की प्रेम है वो परमेश्वर पर अपने ध्यान को रखता है. And there is a difference in this, focusing upon the revelation of God and then love focusing upon God himself. और इन दोनों बातों में अंतर है कि परमेश्वर के प्रकाशन पर ध्यान रखना या परमेश्वर के प्रेम पर ध्यान रखना. There is a question here, how do we know God? यहाँ पर एक सवाल उठता है कि हम कैसे परमेश्वर को जानेंगे. The truth is, we do not know God. सच्चाई तो यही है कि हम परमेश्वर को नहीं जानते. We know about God. हम तो परमेश्वर के विषय में जानते हैं. And we know it only through the revelation of God through Jesus Christ. और हम इसे सिर्फ परमेश्वर के प्रकाशन के द्वारा जो प्रभु यीशु मसीह में हमें मिला है उसके द्वारा जानते हैं. And Jesus is the Word. और जो यीशु मसीह है वो वचन है.
Now the nature around us, जो हमारे इर्द-गिर्द जो प्रकृति है, and through the inner witness of thoughts and consciousness, और हमारे भीतरी मनुष्यत्व और विवेक से, that's how we know something about God through revelation. और इसी के द्वारा हम परमेश्वर के विषय में प्रकाशन के जरिए कुछ जानते हैं. Let us turn to Romans chapter 1. और रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय की ओर हम अपनी बाइबलों को वर्स 18 टू 20 और 18 से लेकर 20वें वचन तक. यू मे ओपन योर बाइबल एंड लेट अस रीड दिस. आइए वचन के इस भाग को खोलें और हम सब पढ़ेंगे. परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है उसके अनदेखे गुण, अर्थात उसके सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा दिखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं. And what is this inner witness? और ये अंदरूनी व्यक्तित्व क्या है, ये अनदेखा गुण क्या है? Inner witness is thoughts and conscience. और जो अंदरूनी गवाह है या अंदरूनी गुण है, ये है विचार और हमारा विवेक. And it says here, God has given this revelation, this understanding to every man by putting within him the thoughts and conscience. और यहाँ पर ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने ये प्रकाशन हर एक मनुष्य को दिया है इन विचारों और विवेकों को उनके अंदर रखने के द्वारा. Then again, chapter 2, verses 14 and 15. उसके बाद जो दूसरा अध्याय और 14 और 15 वचन में भी, फिर जब अनजाति लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं, तो व्यवस्था उनके पास ना होने पर भी वे अपने लिए ही आप ही व्यवस्था हैं. वे व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदय में लिखी हुई देखते दिखाते हैं और उनके विवेक भी गवाही देते हैं और उनके विचार परस्पर दोष लगाते या उन्हें निर्दोष ठहराते हैं. Yeah, here again, Apostle Paul is bringing about the how the conscience that is within us will reveal to us what actually the law requires. यहाँ पर भी पौलुस इसी बात को कह रहा है कि हमारे अंदर जो विवेक है वो कैसे इस बात को प्रकट करता है और हमें दिखाएगा कि कैसे हमें परमेश्वर की व्यवस्था को, नियमों को पूरा करना है. Now we don't have the law. और हमारे पास कोई व्यवस्था या कानून तो नहीं है. The Jewish people had the law. लेकिन यहूदियों के पास तो व्यवस्था थी. So the law told them very clearly what is wrong and what is right. और इसलिए व्यवस्था से उन्हें पता चलता था क्या सही है, क्या गलत है. But how about those who don't possess that law? लेकिन उनके विषय में क्या कहें जिनके पास ये व्यवस्था है ही नहीं? And that is what Paul says. There is a conscience that God has set in every person. और इसी बात को पौलुस कहता है कि एक विवेक है जिसे परमेश्वर ने हर एक के हृदय में रखा है. When you do something wrong, basically wrong, और जब आप किसी बात को नित रित्व से गलत करते हैं, suddenly the conscience will tell you, तब अचानक से विवेक आपको बताएगा, hey, this is not right, कि अरे ये सही नहीं है. So what the law requires, the conscience suddenly comes up with. और इसलिए व्यवस्था का जो पालन है वो ये है कि अचानक से विवेक आपके भीतर आ जाए. And so that is something very important for us. और ये एक ऐसी बात है जो हम सब के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है. A man believes in God by focusing upon one or more of the revelations about God. और एक मनुष्य परमेश्वर पर ध्यान को रखता है उसके एक या उससे ज्यादा प्रकाशन मिलने के द्वारा. But love is different. लेकिन प्रेम कुछ अलग है. Love focuses and centers upon God himself. लेकिन प्रेम तो परमेश्वर पर ही अपने ध्यान को रखता है. And this is established a relate thus a we establish a relationship of intimacy and adoration and worship of God. और इसके द्वारा हम परमेश्वर के संग एक गहन रिश्ते को जोड़ते हैं. And faith also can stir up the same adoration and worship. और विश्वास भी हमारे भीतर इसी भक्ति को और स्तुति को लेकर आ सकता है. But लेकिन faith also can exist
without the same adoration and worship. विश्वास बिना स्तुति और बिना भक्ति के भी मौजूद हो सकता है. It is possible a person can believe. और ये भी संभव है कि एक व्यक्ति विश्वास करता हो. For example, a person can believe in a person, someone, and not love him. और एक उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति किसी व्यक्ति पर विश्वास कर सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो उससे प्रेम भी रखे. Now, how about hope? लेकिन आशा के विषय में क्या कहें? Hope focuses upon being eternally with God. और आशा तो इस बात पे ध्यान लगाती है कि कैसे अनंत तक हमें परमेश्वर के साथ and in a perfect world. और एक सिद्ध संसार में. But again, लेकिन फिर से. Love is superior because it focuses upon God Himself. लेकिन प्रेम उससे बढ़कर है क्योंकि प्रेम परमेश्वर पर ध्यान लगाता है. A person can have hope in someone. और एक व्यक्ति के अंदर किसी के लिए आशा हो सकती है. And without loving him. और उसको बिना प्रेम किए भी. But a person who loves someone. लेकिन एक व्यक्ति जो किसी से प्रेम रखता है. Always hopes in him. वो हमेशा उसमें आशा भी रखता है. I hope you understand that. क्या आप, मुझे आशा है कि आप इस बात को समझ रहे हैं. The third thing is. जो तीसरा बात है. Love, the true agape love. और प्रेम जो सच्चा अगापे प्रेम है. Does not originate in the nature of man. इस प्रेम का स्रोत या पैदाइश परमेश्वर मनुष्य के व्यक्तित्व में नहीं हुई. But it originates in the nature of God. लेकिन इसकी उत्पत्ति तो परमेश्वर के व्यक्तित्व में हुई. God does not have love. और अगर परमेश्वर के पास प्रेम ना हो. But God is love. Itself. लेकिन याद रखिए परमेश्वर प्रेम, परमेश्वर के पास प्रेम नहीं है, लेकिन परमेश्वर खुद प्रेम है. You know, it is not that God has some measure of love. और ये ऐसा नहीं है कि परमेश्वर के पास प्रेम को नापने का कोई मापदंड है. But the whole person of Jesus Himself is love. लेकिन प्रभु यीशु मसीह का पूर्ण व्यक्तित्व ही प्रेम है. And when, as Jesus said, जिस प्रकार से यीशु ने कहा, I am the way, the truth, and the life. कि सत्य मार्ग और जीवन मैं ही हूँ. He does not say I have love. वो ऐसा नहीं कहता कि मेरे पास प्रेम है. And I have way. और मेरे पास मार्ग है. And I have truth. और या मेरे पास सत्य है. But he himself is truth. लेकिन वो खुद सत्य है. He himself is the way. और वो खुद एक मार्ग है. And that means when you have Jesus within you. और इसका मतलब ये है कि जब आपके पास यीशु आपके भीतर है. And Jesus himself being the way will direct your path. तब यीशु मसीह खुद मार्ग होते हुए आपके मार्गों का मार्गदर्शन करेगा. But that is why I said that God simply does not have love, but God is love itself. और इसीलिए मैंने कहा कि परमेश्वर के पास प्रेम होता नहीं है, लेकिन वो खुद प्रेम है. What does that mean? इसका क्या मतलब है? It means love is the basic trait of His nature. इसका मतलब यह है कि प्रेम परमेश्वर के व्यक्तित्व का पहला गुण है. We must all understand one fundamental truth. हमें, हम सबको एक वास्तविक सच्चाई को समझना जरूरी है. What is that truth? और वो सत्य क्या है? That the very existence of man is due to the fact that God is love. कि मनुष्य की उत्पत्ति या उसके यहाँ पर रहने का एक कारण ही ये है कि परमेश्वर प्रेम है. It is because of His love that he created man. और ये तो उसका प्रेम ही है जिसके कारण उसने मानव की रचना करी. Man exists not to the fact that God believed or held hope for man. और परमेश्वर इसलिए नहीं रहा कि क्या वो पर मनुष्य के लिए आशा या उस पर विश्वास रखता था. For this reason, और इस कारण, love is far superior to faith and hope. कि प्रेम इन सारी बातों से कहीं बढ़ करके है. At
I hope you understand that. अब मुझे पूरी आशा है कि आप इस बात को समझ रहे हैं। I will repeat that one more time. मैं इस वाक्य को फिर से एक बार दोहराऊंगा। Man exists not to the fact that God believed or held hope for man. और मनुष्य का अस्तित्व इसलिए नहीं है क्योंकि परमेश्वर ने उस पर विश्वास किया या उसके लिए आशा रखी। But man today exists because of the very foundation of love, which God is. लेकिन मनुष्य तो इसीलिए उसका अस्तित्व है क्योंकि उस बात की नींव ये है कि परमेश्वर प्रेम है. And fourthly, और चौथी बात, this love, this agape love, और ये प्रेम, ये अगापे प्रेम, is a gift of God. ये परमेश्वर का एक तोहफा है. A man can know true love. एक मनुष्य सच्चे प्रेम को जान सकता है. Only as he comes to know the love of God. लेकिन तब ही जब वो परमेश्वर के प्रेम को जाने. And without knowing the love of God. और बिना परमेश्वर के प्रेम को जाने. We cannot possess genuine divine love. तब हम एक सच्चे वास्तविक प्रेम को अपने अंदर, अपने भीतर नहीं रख सकते. Faith arises from the heart of man. और विश्वास तो परमेश्वर के हृदय से निकलता है. Faith. विश्वास तो मनुष्य के हृदय से निकलता है. But how about love? लेकिन प्रेम के विषय में क्या कहें? Love, on the other hand, is deposited or given to man by God. प्रेम तो परमेश्वर के द्वारा मनुष्य के हृदय में जमा किया जाता है या दिया जाता है. It is shed abroad in the heart of man by God. और ये तो परमेश्वर के द्वारा मनुष्य के हृदय में भेजा जाता है. Without God, और बिना परमेश्वर के, man loves only those who love him. मनुष्य तो उसी से प्रेम रखेगा जिससे, जो उससे प्रेम रखेंगे. He either opposes or withdraws from those who hate him. और जो उससे घृणा करते हैं उसका या तो वो विरोध करता है या दूर हो जाता है. You understand that statement? आप इस वाक्य को समझ रहे हैं? Without God, परमेश्वर के बिना, man loves only those who love him. तो मनुष्य तो वैसे से ही प्रेम करेगा जो उससे प्रेम रखते हैं. He either opposes, या तो वो उनका विरोध करेगा, or withdraws from those who, या उनसे hate अलग हो जाएगा जो जो उससे घृणा करते हैं. A person can only love his enemies through the love of God. एक व्यक्ति अपने शत्रु से भी प्रेम कर सकता है परमेश्वर के प्रेम के द्वारा. And this is agape love. और यही अगापे प्रेम है. Therefore, और इसलिए, only to someone who shed abroad his soul the love of God. और इसलिए सिर्फ वो जिन्होंने अपना परमेश्वर के प्रेम को हृदय से दिखाया. Only to the such a person God can say, now you love your enemy. ऐसे सिर्फ ऐसे ही व्यक्ति से परमेश्वर कह सकता है, अब तू अपने शत्रु से भी प्रेम रख. So a person can only love his enemies through the love of God. और इसलिए एक व्यक्ति अपने शत्रु से भी प्रेम रख सकता है सिर्फ परमेश्वर के प्रेम के द्वारा. And this is agape love. और यही अगापे प्रेम है. Therefore, और इसलिए, love being the very special gift of God, प्रेम जो परमेश्वर का एक खास तोहफा है, is far superior to faith and hope. वो विश्वास और आशा से कहीं बढ़ करके है. So, and the fifth, और जो पांचवी और अंतिम बात है, a person can believe in God, एक व्यक्ति परमेश्वर पर विश्वास कर सकता है, yet feel he is above others, और फिर भी ये महसूस कर सकता है कि वो दूसरों के ऊपर है. And that means, और इसका मतलब he can be very proudful, इसका मतलब ये है कि वो बड़ा घमंडी हो सकता है, arrogant, और बड़ा ही विद्रोही हो सकता and है, super spiritual, और वो अति आत्मिक हो सकता है, and he can be cold and distant. From others. वो दूसरों से के प्रति ठंडा और दूरी बनाए रखने वाला हो सकता है. But true agape love, लेकिन सच्चा अगापे प्रेम, has no weaknesses, उसके अंदर कोई कमजोरी नहीं है, or dangers, या खतरा नहीं है. Love never fails, याद रखिए प्रेम कभी असफल नहीं होता, never comes short, और कभी कम नहीं होता. Love involves, और प्रेम में मतलब है, control and discipline. प्रेम होने का मतलब है नियंत्रण और अनुशासन. Love is care, और प्रेम चिंता करना है, and giving,
और देना है. Therefore, selflessness. और इसका 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 मतलब ये है कि वो निस्वार्थ है. And sacrifice. और बलिदानी है. You understand these explanation. और आप इन बातों को समझ रहे होंगे. So what is important, Apostle Paul says. और इसलिए पौलुस प्रेरित के लिखने के अनुसार क्या बात महत्वपूर्ण है? All the gifts of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का सारे वरदान. One may possess. हो सकता है एक के पास होंगे. And then you can have a such great faith that can move mountains. और हो सकता है आपके पास एक ऐसा विश्वास है जो पहाड़ों को भी हिला दे. And by faith you can exercise the power of God and bring healings and deliverance and great miracles. और बड़े विश्वास के साथ आप परमेश्वर के चिन्ह आश्चर्यकर्म और अद्भुत कार्यों को छुटकारे को लेकर के आते हैं. If such a person अगर ऐसा व्यक्ति does not possess this agape love, उस ऐसे व्यक्ति के पास भी अगर ये अगापे प्रेम नहीं है, that person is nothing. तब वो व्यक्ति कुछ भी नहीं. Apostle Paul used that word nothing. और पौलुस प्रेरित वहाँ पर एक शब्द का प्रयोग करता है कुछ भी नहीं. He himself is nothing. वो अपने आप में कुछ नहीं. And whatever he produce will be nothing. और जो कुछ वो फल भी लाएगा वो भी कुछ भी नहीं होगा. And that's the reason why he put this chapter 13 between chapter 12 and 14. और इसी कारण वर्ष पौलुस प्रेरित 12वें और 14वें अध्याय के बीच में, क्षमा करिएगा, 11वें और 14वें, 12वें और 14वें अध्याय के बीच में 13वें अध्याय को रखता है. The operation of all the gifts of the Holy Spirit has been based on the love of God. और इस पवित्र आत्मा के वरदानों का चलन हमें प्रेम में, परमेश्वर के प्रेम के द्वारा करना है. Because there are three eternal things. क्योंकि तीन ऐसी बातें हैं जो अनंत की हैं. The gifts of the Holy Spirit are temporary. परमेश्वर के पवित्र आत्मा के वरदान तो अस्थाई हैं. It will be in the church and through the church they can be exercised until the church is removed from the face of the earth. आत्मिक वरदान कलीसिया के साथ हैं और जब तक प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को ना उठा ले तब तक ये वरदान ही रहेंगे. And with the church going to be with Jesus forever. लेकिन जब कलीसिया को यीशु मसीह हमेशा अपने संग होने के लिए उठा लेगा. All these spiritual gifts, the Holy Spirit's gifts are in operation in the church, through the church, for the ministry of the church towards the needy people. और इसलिए ये सारे वरदान, आत्मिक वरदान जो परमेश्वर की ओर से कलीसिया को मिले हैं, ये जरूरतमंद लोगों की सहायता और सेवा करने के लिए हैं. And when we are caught up, और लेकिन जब हम उठा लिए जाएंगे, when we are with Jesus, हम यीशु के साथ होंगे, and there is some marvelous things happen to us, और तब बड़ी अद्भुत बातें हमारे साथ होंगी. Today we see everything as if we are seeing our own image in a dark glasses. और अभी तो हम अपने आप को ऐसे देखते हैं मानो एक अंधकारमय शीशे में हम अपने आप को देखते हैं. Nothing is perfect. और कुछ भी सिद्ध नहीं है. But when the perfection comes, लेकिन जब सिद्धता आएगी, all these things that are not necessary will cease. जब ये तब ये सारी बातें जो जरूरी नहीं है और जिन्हें हम देखते हैं, preaching of the gospel, सुसमाचार का प्रचार, the operation of the gifts of the Holy Spirit, और पवित्र आत्मा के वरदानों का चलन, there are no more needs for this. और कई कुछ और जरूरतें नहीं होंगी. But when everything ceases, जब सब ये बातें रुक जाएंगी, and we don't require them anymore, और हमें उनकी और कोई जरूरत नहीं होगी, still there are three things that will sustain us throughout eternity. फिर भी तीन ऐसी बात होंगी जो अनंत तक हमारे साथ होंगी. We need these three things. और इन तीनों बातों की हमें आवश्यकता है. Faith, hope, and love. विश्वास, आशा और प्रेम. It is marvelous the way God has arranged things for human life. और ये बड़ा अद्भुत है कि कैसे परमेश्वर ने मानवीय जीवन के लिए बातों को बनाया है. And so, और इसलिए, the gifts of the Holy Spirit,
परमेश्वर के पवित्र आत्मा का वरदान आर टेम्पररी वो अस्थाई हैं दे विल बी इन द चर्च वो कलीसिया में होंगे थ्रू द चर्च दिस ऑपरेशन मस्ट बी डन और कलीसिया के द्वारा इनको चलाया जाना अंटिल द कमिंग ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट फॉर द चर्च जब तक प्रभु यीशु मसीह कलीसिया के लिए आगमन ना हो जाए एंड वंस द चर्च इज रिमूव्ड फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ जब कलीसिया को पृथ्वी से उठा लिया जाएगा एवरीथिंग सीज़स तब सारी ये वरदान रुक जाएंगे We see perfection. तब हम सिद्धता को देखेंगे. And we live with perfection throughout eternity. तब हम सिद्धता के संग अनंत के लिए जिएंगे. Are you getting ready? क्या आप तैयार हो रहे हैं? And so don't go after these things much more than you go after faith and hope and love. असली इन बातों के पीछे मत दौड़िए. उससे ज्यादा जितना आप प्रेम आशा और विश्वास के And the greatest things of these three, और इन तीनों में भी, of these three, इन तीनों में भी सबसे बड़ा is love. प्रेम है So my friends, और इसलिए मेरे मित्रों it is that love which we call agape love. और ये यही अगापे प्रेम है It's very important. ये बड़ा महत्वपूर्ण है And Jesus Christ has commanded us to love our enemies. और प्रभु यीशु मसीह ने हमें आज्ञा दिया है कि हम अपने शत्रुओं से प्रेम करें। But how are we going to do it? लेकिन हम ये कैसे करेंगे? By our own will, we cannot. लेकिन अपनी इच्छा शक्ति से नहीं कर पाएंगे। That agape love has to be poured into our hearts by the Lord Jesus Christ, who is love itself. अगापे प्रेम को हमारे हृदयों में रखना है। परमेश्वर के द्वारा जो खुद प्रेम है That's what he displayed throughout his public ministry here on earth. और अपनी सार्वजनिक सेवा के द्वारा इस पृथ्वी पर उसने इसी बात को दिखाया That's what he displayed from the time he was arrested till his last breath on the cross. और इसी बात को उसने दर्शाया उस समय से जब उसको गिरफ्तार किया गया और उस क्रूस पर उसने अंतिम सांस ली He displayed that agape love. उसने उस अगापे प्रेम को दिखाया Hallelujah. Hallelujah. What a savior we have. और कैसा उद्धारकर्ता हमारे पास है. What a Lord we have. और कैसा प्रभु हमारा है. And he not only commands us. वो ना केवल हमें आज्ञा देता है. He enables us. लेकिन वो हमें सशक्त बनाता है. He gives us the grace to do what he asks us to do. अनुग्रह देता है उन बातों को करने के लिए जो उसने हमें करने के लिए. So let us while hoping to be Eternally with Jesus. और जब हम इस आज को लगाए हुए हैं कि हम आनंद के लिए यीशु के साथ होंगे। Remember that His love is poured out into us by the Holy Spirit. इस बात को याद रखिए कि उसका प्रेम हमारे अंदर उसकी पवित्र आत्मा के द्वारा रखा जाता है। So if you finding it very difficult to love those who are not very lovable. और इसलिए आप अगर इस बात को देखते हैं कि उनसे प्रेम करें जो प्रेम करने योग्य नहीं। We need to pray. तब हमें प्रार्थना करना। Because we need to love them. क्योंकि हमें उनसे प्रेम रखना। And loving them. और उनसे प्रेम will रखना। Will make you powerful and very forceful. वो आपको बड़ा शक्तिशाली बनाएगा। God blessings be upon you. परमेश्वर की आशीष आप सबके ऊपर। Next Wednesday we shall go into chapter 14. और अगले बुधवार को हम 14वें अध्याय की ओर अपने अध्ययन को लेकर चलेंगे। I hope you are continuously reading this. मुझे पूरी आशा है कि आप निरंतर पहला कुरिन्थियों की पत्री को पढ़ रहे हैं। So before you come for the study and sit to listen, इससे पहले आप अगले अध्ययन के लिए आएं और अध्ययन में भाग लें। During this week, read chapter 14. इस हफ्ते में आप 14वें अध्याय को पढ़िए। Chapter 14 is going to be very important. और 14वां अध्याय हम सब के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा। Because there, Apostle Paul brings certain instructions and discipline in the use of tongues and prophecies and other great things. क्योंकि इस 14वें अध्याय में पौलुस प्रेरित अनुशासन को और व्यवस्था को के विषय में बात करता है जो आत्मिक वरदानों के को उपयोग में लाने में हमें रखनी है। 14th chapter is very important. और इसलिए 14वां अध्याय बड़ा महत्वपूर्ण है। Read and come. और पढ़कर अगले अध्ययन में जुड़िए। God bless you. Holy Spirit of God, we thank you. परमेश्वर के पवित्र आत्मा हम आपका धन्यवाद करते हैं। You are our teacher. आप हमारे शिक्षक हैं।
and we need to be filled with the Holy Spirit. हमें पवित्र आत्मा से भरा हुआ होना जरूरी है. And we cannot do, and what we cannot do, the Holy Spirit will do in us and through us. जो हम नहीं कर सकते वो पवित्र आत्मा हमारे भीतर और हमारे द्वारा करेगा. So I pray for everyone who attends this Bible study. और इसलिए मैं हर एक के लिए प्रार्थना करता हूँ जो इस बाइबल अध्ययन को मैं भाग ले रहा हूँ. And also, Lord, we pray that you inspire more people to join in these studies. और इसलिए प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ और लोगों को प्रेरित करिए कि वो इस बाइबल अध्ययन में जुड़ने पाएं. We give you praise. हम आपको स्तुति करते हैं. In Jesus' name. यीशु के नाम में. Amen. Amen. God bless you, my dear brothers and sisters. मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर आप सबको आशीष दे. Amen. Amen.